दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। अगर आप साउंड के व्यवसाय से जुड़े हैं, आप एक साउंड ऑपरेटर हैं, या फिर आपका डीजे का व्यवसाय है, या फिर आप लाइव प्रोग्राम करते हैं, या फिर आप दोनों काम करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अपने दो ऑडियो मिक्सर को किस प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। वैसे तो इस मेथड की जरूरत हर जगह नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी इसकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ जाती है। वो कैसे आपको बताता हूँ। जब भी हमारा लाइव प्रोग्राम पर मिक्सर लगे होते हैं, तो जो हमारा प्राइमरी मिक्सर होता है उसमें जो है बहुत सारे माइक और लाइन लगे होते हैं, जिससे हमारा पूरा लाइन भर जाने की वजह से कभी एक्सटर्नल माइक लगाने की जरूरत पड़ गई, एक अलग से माइक लगाने की जरूरत पड़ गई, या किसी अलाउंसिंग के लिए, या फिर जो हमारे सिंगर के साथ कोरस गाते हैं उनके लिए। तो ऐसे में जो है मिक्सर में जगह नहीं है, तो हमें बड़ी दिक्कत हो सकती है माइक कैसे लगाएं, तो उस समय आपको ये जरूरी हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम आपको सारा इसका कनेक्शन बताते हैं और सही कनेक्शन बताएंगे जो कि अच्छे से काम करें। और जो है यहाँ पर मैंने माइक रखा है, आपको माइक से भी इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे, और उधर मेरा लैपटॉप ऑन है और आपको वहाँ से मैं सॉन्ग भी चला के दिखाऊंगा। तो एक एक करके सारा कनेक्शन आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पवन अरुद्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RDJ सपोर्ट पर। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो मिक्सर को सेटअप कर लिया है, एक ये वाला और एक ये वाला। वैसे मैं लाइव प्रोग्राम में नहीं हूँ इस समय, ये सब आपको बताने के लिए मैंने घर में ही सेटअप किया है। आपके पास मिक्सर किसी भी कंपनी का हो, आप उन्हें आसानी से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आपके ये जैक वाला मिक्सर हो या फिर आपका XLR मिक्सर हो, आप किसी भी मिक्सर को इसी मेथड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम अपने इन दोनों मिक्सर को आपस में किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, आपको सारा कनेक्शन बताते हैं और उसके बाद इनकी जो है लाइन को किस प्रकार से फ्रिक्वेंसी देंगे, इस मिक्सर का भी और इस मिक्सर का भी, जिससे हमारा बेहतरीन आउटपुट मिले, इस मिक्सर से भी जो है हमारे मेन मिक्सर जैसा आउटपुट देखने को मिले। तो आप ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाला है। ये जो कनेक्शन होता है बहुत ही सरल होता है। इस कनेक्शन में आपको किसी अलग से डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई भारी तकनीक की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को मात्र एक बार देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप किसी भी कंपनी के मिक्सर को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इस कनेक्शन के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इस जैक केबल की, जो कि आप सिर्फ एक जैक केबल के माध्यम से ही आप इन दोनों मिक्सर को आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन बताता हूँ। मान लीजिए हम कार्यक्रम पर हैं, ये हमारा मेन मिक्सर है, इसे हम मेन मिक्सर मानते हैं, ये कार्य पर लगा है और मिक्सर के सारे जो चैनल हैं वो भर गए हैं, किसी में माइक लगा है और किसी में लाइन लगी है, दूसरा माइक या लाइन लगाने की कोई जगह नहीं है, और हमारे जो कलाकार लोग हैं वो बोल रहे हैं हमें और माइक चाहिए एक या फिर और एक लाइन चाहिए। तो ऐसे में जो है हम एक अलग से मिक्सर को ऐड करके अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझिए कि एक काम चलाओ जुगाड़ है जिसको आप ज़रूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम कनेक्ट करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये मिक्सर को हमें इससे कनेक्ट करना था, तो जिस मिक्सर को आपको कनेक्ट करना है तो उस पर आपको आना है, उसका जो मेन आउटपुट होता है उसके लेफ्ट या फिर राइट से आपको एक आउटपुट लेना है। आप अपने हिसाब से, आपको लेफ्ट पसंद आए तो आप लेफ्ट से लीजिए, अगर आपको राइट पसंद आए तो आप राइट से ले सकते हैं। और उसके बाद आपको चलना है अपने मेन मिक्सर में। आपको यहाँ पर दिखता है एक लाइन दिखती है ये माइक की, और दूसरा आपको दिखता है यहाँ पर लाइन की। तो आपको जिस भी चैनल पर आपको इसे कनेक्ट करना है उसके लाइन में आपको जाना है और इसे लगा देना है, ठीक। माइक में नहीं लगाना है, याद रखना, लाइन में लगाना है। और इस प्रकार आपका मिक्सर ये कनेक्ट हो गया है। अब बारी आती है इसकी फ्रिक्वेंसी को सेट करना। फ्रिक्वेंसी सेट करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम अपने मेन मिक्सर की फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे, जिस भी चैनल में हमने जिस भी लाइन पर लिया है उसका जो हाई होता है यानी हमारा ट्रेबल होता है उसको 50% कर देना है, और आपको जो उसका मिड होता है उसको भी 50% कर देना है, आपका जो लो है यानी हमारा बेस है उसको भी 50% कर देना है, आपको ऑक्स एफएक्स इनको बंद रखना है, और जो पैन है उसको केंद्र में रखना है यानी बीचों बीच रखना है, गेन को भी आपको एकदम से बंद रखना है। तो इस प्रकार हमारे इस मिक्सर की सेटिंग हो गई जिस पर हमने अपना लाइन दिया है। अब बारी आती है हमारे इस मिक्सर को सेट करने की। तो इसमें आपको सबसे पहले आना है मास्टर में, आपका फेडर वाला मास्टर हो या फिर नॉब वाला, आपको उतना खोलना है जब तक आपको जो आउटपुट लेवल होता है, जो इंडिकेटर होते हैं इनमें आपको जहाँ पर जीरो दिखता है 0 dB को टच ना कर ले, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है हमारे इस चैनल पर। तो उसके बाद हमारा जिसमें हमने माइक लगाया है उसको अपना जो है माइक के हिसाब से सेट कर लेंगे, और जिसमें हमने अपना लाइन लगाया है उसको अपने लाइन के हिसाब से सेट कर लेंगे, अपनी ज़रूरत के अनुसार कितना बेस ले रहा है, कितना मिड ले रहा है, कितना ट्रेबल ले रहा है और कितना गेन ले रहा है,
उसी हिसाब से आपको इसकी वैल्यूम देना है ताकि यहाँ पर आपको 0 dB का लेवल दिखे। तो चलिए अब हम आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे सारे मिक्सर के पावर ऑन है, एम्पलीफायर भी वहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और इधर मैंने लैपटॉप पर अपना ऑडियो रेडी करके रखा है, यहाँ पर मेरा माइक रेडी है। चलिए इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको जो है जिसमें हमने लाइन दिया था उसका फेडर को आपको फुल कर देना है, यानी 0 dB तक। आपके जिस भी मिक्सर में 0 dB दिखे, इसमें 0 dB एकदम ऊपर है तो आपको यहाँ पर ऊपर करना पड़ा। तो आपके मिक्सर में जहाँ पर आपको 0 दिखे वहाँ पर आपको 0 तक पहुँचा देना है, ठीक। अब हम सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं अपने लैपटॉप के जो सॉन्ग होता है, यहाँ पर मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ और जैसे इसका फेडर में उठाऊँगा आपको ऑडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने टेस्ट किया अभी अपने ऑडियो को, हालांकि यहाँ पर इंडिकेटर ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, वो इस वजह से क्योंकि ये कोई ब्रांडेड मिक्सर नहीं है। अगर ये मिक्सर ब्रांडेड होता तो इसका इंडिकेटर जो है 0 तक ही टच करता, और आपको यही कोशिश करना है इंडिकेटर आपका 0 तक ही टच करे। अब इसकी टेस्टिंग अपने माइक से करते हैं कि क्या माइक पर काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने माइक को रेडी किया है और इस पर हम माइक में इसका फेडर उठाते हैं। हेलो 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 हेलो, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक भी अच्छे तरीके से बोल रहा है। आवाज़ थोड़ा कम होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने बड़ा साउंड नहीं ऐड किया है, या मेरे घर की टेस्टिंग थी, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सा यूनिट लगा कर रखा है सिर्फ आपके टेस्टिंग दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर इसमें हम इको भी लगाना चाहेंगे तो इको भी लग जाएगा। यहाँ पर आप तो इस चैनल के इफेक्ट्स में जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो। आप जो है इको उस मिक्सर से भी लगा सकते हैं, इस मिक्सर से भी लगा सकते हैं, सेम जैसे वो मिक्सर था सेम वैसे अब पूरा जो है दोनों मिक्सर को मिला के एक मिक्सर जैसा आपका एक काम करेगा, ठीक है। तो आपको ज़रूरत पड़ने पर जहाँ भी ज़रूरी लगे वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपर्ट लोगों को ये थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन सर जो भी हमसे एक्सपर्ट हो तो आपको हम ये बता दें कि ये जो है कोई मेन पॉइंट नहीं है अपने साउंड सिस्टम को चलाने का, ये एक जुगाड़ू सिस्टम है जिसके माध्यम से हम अपने रुकते हुए काम को चला सकें। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो भी कनेक्शन बताए वो सही हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, इनको मैंने ट्राई भी किया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं करना, आपके पास जितना भी बड़ा मिक्सर, आप बड़ा मिक्सर लेके जाइए और उसी से अपना काम चलाइए। अगर उसमें भी आपका काम रुक रहा है तब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका रुकता हुआ काम आगे बढ़ जाएगा, आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या फिर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, केवल वीडियो देख ही लेते हैं, तो प्लीज़ यार भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से जो है हमें और भी आगे वीडियो लाने का प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल।